भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा द्वारा गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का तीसरा चरण आज नीमच के बरुखेड़ा गांव स्थित सरकारी स्कूल में आयोजित किया गया। आज के कार्यक्रम में 40 विद्यार्थियों को पुस्तक किट और 30 बच्चों को पेन पेंसिल किट तथा अन्य सामग्री वितरित की गई। गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं का दुपट्टा और माला पहनाकर भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा के सदस्यों द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष मनीष विजयवर्गीय ने संस्था सदस्यों का परिचय दिया। दिनेश मानव द्वारा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। कमल गर्ग ने बच्चों को बुरी आदत छोड़कर संस्कारवान बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विनय मारू, सुरेंद्र पाल वाधवा, प्रदीप पोसवाल, मनीष गर्ग, दिनेश परवाल, आशीष दरक, राकेश खंडेलवाल, अनिल माहेश्वरी, विकास बोहरा, महेश शर्मा, लोकेश सैनी, वीरेंद्र दुबे, प्रवीण जैन, अंजू दरक आदि उपस्थित रहे। संचालन ललित राठी ने किया। बताते चले कि इससे पूर्व संगठन द्वारा प्रथम चरण में भूलियावास और द्वितीय चरण में भरबड़िया गाँव के सरकारी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा नीमच द्वारा गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम तीन सरकारी अलग अलग स्कूलों में तीन चरणों में हमने संपन्न किया। इसमें गुरु 15 गुरुओं का सम्मान शाल और श्रीफल से किया गया एवं 200 से 250 बच्चे का पुस्तकों का वितरण किट, पुस्तक जो इसके स्केल कॉपी किताबें इस प्रकार की पुस्तकों का एक किट हमने सभी बच्चों को 5वीं तक के बच्चों को वितरित किया। इसके अंदर हमारे सभी परिषद के सदस्य समय समय पर उपस्थित रहे और आज अंतिम बरुखेड़ा में सरकारी स्कूल के अंदर इसका समापन किया गया, जिसके अंदर भारत विकास के संस्थापक अध्यक्ष विनय जी मारू, प्रदीप जी ओसवाल, उपाध्यक्ष मनीष जी विजयवर्गीय और गुरुवंदन छात्र अभिनंदन के कमल जी गर्ग और भाई राकेश जी खंडेलवाल और सरदार जी श्री हमारे सुरेन पाल सिंह जी, इस प्रकार से सभी सदस्य उपस्थित रहे और आनंद मंगल के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। आशीष दरक द्वारा पूरे कार्यक्रम की फोटोग्राफी करी गई और सभी को धन्यवाद दिया। भारत विकास परिषद की परंपरा रही है कि हम लोग गुरु वंदन और छात्र अभिनंदन का कार्यक्रम प्रति वर्ष करते हैं। ये हमारा बहुत ही बढ़िया प्रकल्प है जिसमें हम जो गुरु है उनका भी सम्मान किया जाता है और जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी हम सम्मान करते हैं, तो भारत विकास परिषद के बढ़िया प्रकल्पों में आता है। और हम हर साल अपने इस प्रकल्प को 2-4 स्कूलों में जाके और गुरुओं का हम सम्मान करते हैं और बच्चों को कुछ कॉपी किताबें पुस्तकें और पाठ्य सामग्री वितरित करते हैं। और इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि इससे हमारा गुरु और बच्चों का और भारत विकास परिषद तीनों का एक जुड़ाव बना रहता है।